Hello everyone, so today we will discuss GPS number 2, and the questions that we are going to discuss today are written over here. So we'll start with question number 2. A baseball is moving at 25 meter per second when it is struck by a bat and moves off in the opposite direction at 35 meter per second. So we can write the initial velocity of baseball as 25 meter per second. ओके और फाइनल वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, जब वो बॉल बैट से टकराई तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गई, मतलब हम उसकी फाइनल वेलोसिटी को -35 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ इफ द इम्पैक्ट लास्टेड 0.010 सेकेंड, इम्पैक्ट लास्टेड फॉर 0.01 सेकेंड, इसका मतलब वो बेस बॉल और बैट एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में थे फॉर 0.01 सेकेंड. फाइंड द बेस बॉल्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इम्पैक्ट. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इम्पल्स कैलकुलेट करेंगे. इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम. सो इम्पल्स विल बी इक्वल टू एम वी माइनस यू. सो आई विल बी एम, v is given to be -35 meter per second, minus initial velocity 25 meter per second. So impulse हो जाएगा m into -60. Okay, so impulse will be equal to -60 m. Now, so impulse will be equal to f dot delta t. हमें पता है इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू डेल्टा टी. इम्पल्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, -60 m, ये बराबर हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी कितना है, 0.01 सेकेंड. सो फोर्स विल बी -60 इंटू डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू एम. सो एफ विल बी इक्वल टू -6 इंटू 10 to the power 3 m न्यूटन. फोर्स इतना हो जाएगा. ठीक है. नाउ एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. फोर्स कितना आया, -6 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन इंटू m. दिस विल बी इक्वल टू m इंटू a, m m कैंसिल. सो a इज इक्वल टू -6 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या ये लिख सकते हैं, -6 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. What is the acceleration of a car that goes from 20 to 30 km per hour in 1.5 second? So, question number 3. Initial velocity is given to be 20 km per hour. Final velocity is given to be 30 km per hour. And time is 1.5 second. So, we need to find the acceleration. कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो ए विल बी इक्वल टू v माइनस यू बाय टी. सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, v इज 30 माइनस 20 किलोमीटर पर आर डिवाइडेड बाय 1.5 सेकेंड. सो दिस विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 1.5 किलोमीटर पर आर डिवाइडेड बाय सेकेंड. So this is 100 by 15 kilometer per hour per second. Okay, now the next part. At the same acceleration, how long will it take the car to go from 30 to 36 kilometer per hour? अब acceleration दे रखा है second case में, acceleration की value क्या दे रखी है, 100 divided by 15 kilometer per hour डिवाइडेड बाय सेकेंड. ठीक है, इतना एक्सेलरेशन दे रखा है. इनिशियल वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आर, फाइनल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आर.
तो टाइम पूछा गया है, टाइम क्या हो जाएगा, सेम इक्वेशन लगेगी v माइनस यू बाई ए। वी इज 36 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 100 बाय 15 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा, 6 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 सेकेंड्स। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 0.9 सेकेंड। ओके, और ये 100 बाय 15 को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 6.7 किलोमीटर पर आवर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। द ब्रेक्स ऑफ अ कार, द ब्रेक्स ऑफ अ सर्टेन कार कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द कार टू स्टॉप टू कम टू अ स्टॉप फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर सकता है, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस कर सकता है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ती है या स्पीड कम होती है, स्पीड कम होती है। तो कार एक्चुअली जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कार का एक्सेलरेशन होता है या डी एक्सेलरेशन होता है, डी एक्सेलरेशन होता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू बी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0। तो हमें टाइम निकालना है, राइट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टाइम। सो टाइम विल बी वी माइनस यू बाय ए, सो दिस विल बी 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाय -6, सो इट विल बी 5 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट, हाउ फार डज द कार ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम द ब्रेक्स आर अप्लाइड। डिस्टेंस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी एस विल बी इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30 इंटू टी, टाइम कितना लगा 5, माइनस हाफ 6 इंटू टी स्क्वायर 25, दिस इज 150 माइनस 75, सो दिस कम्स आउट टू बी 75 मीटर। ओके, नेक्स्ट वील डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। एन एयरप्लेन मस्ट हैव अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड इन ऑर्डर टू टेक ऑफ। व्हाट मस्ट द एयरप्लेन्स एक्सेलरेशन बी इफ इट इज टू टेक ऑफ फ्रॉम अ रनवे ऑफ 500 मीटर लॉन्ग। 500 मीटर लॉन्ग, 500 मीटर का रनवे है और उसे टेक ऑफ करने के लिए मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए है, 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि उसको उस 500 मीटर के ट्रैक में उसका एक्सेलरेशन इतना होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद 500 मीटर के ट्रैक में जब वो एंड में पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हो। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी करनी है 50 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस दे रखा है 500 मीटर, राइट। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सो ए विल बी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s, सो वी स्क्वायर विल बी 2500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस, डिस्टेंस इज गिवन टू बी 500, सो दिस विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट वील डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। द ब्रेक्स ऑफ अ कार हुज इनिशियल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड आर अप्लाइड एंड द कार रिसीव्स एन एक्सेलरेशन ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू बी 30 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार विल इट गो, विल इट हैव गॉन
when its velocity has decreased to 15 meter per second, जब उसकी final velocity 15 meter per second हो चुकी होगी, तब ये कितना distance cover कर चुका होगा? So s will be v square minus u square by 2a. v square कितना? 15 का square 225 होता है, minus u square 900 divided by 2a, that is 4, minus 4 actually. So this comes out to be 169 meter. Okay, B part क्या है? When it has come to stop, मतलब जब final velocity zero हो गई हो, final velocity zero और initial सब same था, तो s will be how much? V square, मतलब 0 minus 900 divided by minus 4. So this will be 225 meter. Alright. Next is question number 9. A picker takes 0.1 second to throw a baseball which leaves his hand at a velocity of 30 meter per second. So time taken is 0.1 second and final velocity is 30 meter per second. ठीक है, जब ये baseball को throw करेगा तो कुछ ऐसे throw करेगा, तो जब उसका, जब वो start करेगा throw करना, at that moment उस ball की initial velocity 0 होगी, और फिर थोड़ा सा ऐसे करके जब वो throw करेगा, मतलब at this point जब बॉल उसके हाथ से छूटेगी, तब उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, वो होगी 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो उसने उस बॉल को कुछ फोर्स लगाया होगा जिसकी वजह से उस बॉल का कुछ एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, तो हमें उस एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकालना है. टाइम हमें दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी. सो ए विल बी वी माइनस यू बाय टी. वी कितना है? 30 माइनस यू is 0 divided by 0.1, so it comes out to be 300 meter per second square. Okay, next we'll discuss question number 18. A bus starts from rest and accelerates at 1.5 meter per second square until it reaches a velocity of 9 meter per second. The bus continues at this velocity and then deaccelerates at minus 2 meter per second square until it comes to a stop 400 meter from its starting point. How much time did the bus take to cover 400 meter? देखो, अगर हम इस बस का velocity versus displacement time, displacement graph बनाए, तो पहले तो कुछ देर, it started from rest, उसका एक्सेलरेशन था कितना? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट किया बस ने, एंड इट रीचेस द फाइनल वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फिर उसके बाद इट कंटिन्यूज टू मूव विद दिस वेलोसिटी सम टाइम, एंड देन इट फाइनली डी एक्सेलरेटेड टू रेस्ट. सो सपोज यहां से यहां जाने में उसे T1 टाइम लगा, यहां से यहां जाने में उसे T2 टाइम लगा, और यहां से यहां जाने में उसे T3 टाइम लगा. ठीक है, इसका एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, बस का जो एक्सेलरेशन था वो था 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहां पे एक्सेलरेशन 0 और यहाँ पे एक्सेलरेशन था कितना? माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, 0 0. सपोज यहाँ से यहाँ तक उसने S1 डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक उसने S2 डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ से यहाँ तक उसने S3 डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, सो इट इज़ गिवन दैट S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू 400 मीटर. ठीक है, हमें क्या निकालना है? हाउ मच टाइम हमें निकालना है? T1 प्लस T2 प्लस T3. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं T1. T1 के लिए देखना, फॉर T1 और फॉर फर्स्ट इंटरवल,
इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 9 है और एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम कितना हो जाएगा v माइनस यू बाय ए। v कितना दे रखा है 9 डिवाइडेड बाय ए 1.5, सो इट इज 90/15 सेकेंड्स। T1 किसके बराबर हो जाएगा 19/15 सेकेंड्स के। T2 को अभी हम रहने देते हैं, T3 कैलकुलेट करते हैं। T3 के लिए इनिशियल वेलोसिटी 9, फाइनल वेलोसिटी 0, 9 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो T3 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0 माइनस 9 डिवाइडेड बाय -2, सो दिस विल बी 4.5 सेकेंड्स। T3 4.5 सेकेंड्स के बराबर हो जाएगा। अब T2 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, T2 कैलकुलेट करने के लिए देखो यहाँ से यहाँ तक कि हमको वेलोसिटी पता है 9 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट रही है, ठीक है। तो 9 इंटू T2 विल बी इक्वल टू S2, ठीक है। तो हम S2 कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें S1 पता है और S3 पता है, तो 400 माइनस S1 माइनस S3 विल बी इक्वल टू S2, राइट। तो उसके लिए S1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, S1 कितना हो जाएगा, S1 इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, सो दिस इज 9 का स्क्वायर इज 81, माइनस 81 डिवाइडेड बाय -2a -3, सो दिस विल बी 27 मीटर। S1 आ गया 27 मीटर। S2 के लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, वी स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर 81 अगेन बाय 2a। यहां पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में दिस विल बी 81 माइनस 0, ओके, सो 81 डिवाइडेड बाय 3, नॉट माइनस 3, इट विल बी 27 मीटर। यहाँ पे 0 माइनस 81 डिवाइडेड बाय -4 2a, तो ये कितना हो जाएगा 81 बाय 4 20.25 हो जाएगा। सो S2 विल बी इक्वल टू 400 माइनस 27 माइनस 20.25, सो दिस कम्स आउट टू बी 352.75, ये आ जाएगा 352.75 के बराबर। तो S2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो T2 आ जाएगा 352.75 डिवाइडेड बाय 9, सो दिस कम्स आउट टू बी 39.2 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये T2 की वैल्यू आ गई। अब T1 प्लस T2 प्लस T3 करो, T1 कितना दे रखा है 90/15 इज 6, सो 6 प्लस T2 39.2 प्लस 4.5, सो दिस अप्रॉक्सीमेटली कम टू बी 49.7 सेकेंड, कम्स आउट टू बी 49.7 सेकेंड एग्जैक्टली, सो अप्रॉक्सीमेटली 50 सेकेंड्स, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इज द मोशन ऑफ द कार नॉट एक्सेलरेटेड। एग्जाम्पल नंबर ए, अ कार टर्न्स अ कॉर्नर एट द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। सो अ कार टर्न्स अ कॉर्नर एट द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, इट इज टर्निंग, ठीक है। ये ऐसे टर्न कर रही है तो उसकी स्पीड तो कॉन्स्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, सो इन दैट केस इट इज एक्सेलरेटिंग। सेकेंड केस बी ऑप्शन, अ कार क्लाइम्स अ स्टीप हिल एट द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 माइल पर आवर। कार ऊपर जा रही है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से,
तो क्या एक्सेलरेट कर रही है? नहीं कर रही है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है. कार क्लाइम्स अ स्टीप हिल विथ इट्स वेलोसिटी ड्रॉपिंग फ्रॉम 60 किलोमीटर पर आवर एट द बॉटम टू 20 किलोमीटर पर आवर एट द टॉप. यहाँ पे वेलोसिटी है 60 और यहाँ पे वेलोसिटी है 20. तो वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब कार एक्सेलरेट कर रही है. डी ऑप्शन. अ कार क्लाइम्स अ स्टीप हिल एंड गोज ओवर द टॉप एंड देन डाउन ऑन द अदर साइड ऑल एट द सेम वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये 40 किलोमीटर से ऊपर जाती है, 40 से यहाँ पे भी इसकी स्पीड 40 होती है और फिर नीचे आते टाइम भी इसकी स्पीड 40 होती है. तो इस पूरे मोशन में उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट? पहले डायरेक्शन कांस्टेंट है और फिर यहाँ से उसने डायरेक्शन चेंज की एंड देन डायरेक्शन कांस्टेंट. सो एट दिस पॉइंट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. ठीक है, सो इट मीन्स इट इज एक्सेलरेटिंग. सो द आंसर विल बी बी ऑप्शन. सिर्फ बी ऑप्शन में वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है, बाकी सारे ऑप्शंस में वो एक्सेलरेट कर रही है. ओके.